हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एमएनएस प्रेप चैनल डेडिकेटेड टू एमएनएस एस्पिरेंट्स। गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम स्टैटिक क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर ऑफ 2021। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस बिकॉज देर इज सम क्वेश्चन जो कि 2021 में स्टैटिक जीके से थे और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको 2021 के करंट अफेयर्स ना करने पड़े। वैसे तो आपको 2022 के ही करंट अफेयर्स करने हैं एंड टिल योर एग्ज़ाम, बट स्टिल देर आर सम क्वेश्चन जो कि 2021 के करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट हैं। वो मैं दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ 2021 करंट अफेयर्स स्टैटिक क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चंस इसमें आपके 20 अप्रॉक्स रहेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रामप्पा टेम्पल हैज़ बिकेम 39th यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो रामप्पा टेम्पल है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इंडिया में 39th यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं। मतलब जो रामप्पा है दैट इज़ 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। एंड दिस टेम्पल और रामप्पा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस आपको गिवन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना, ओके। सो रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में लोकेटेड है। एज पर 2022 तो 2022 के अकॉर्डिंग अब तक जो टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट इज़ 40। तो हमारे पास जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की दैट इज़ 40 है और रामसर साइट पूछा जाए तो 49 है, ठीक है। रामसर साइट हमारे पास 49 है, यूनेस्को साइट्स हमारे पास 40 हैं। इसमें जो लास्ट टू हैं तो मतलब 39th हो गया रामप्पा एंड जो लास्ट है दैट इज़ 40th। तो जो 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट इज़ धोलावीरा। इट इज़ दी 40th और द लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज पर 2022। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू इज विच रेन फॉरेस्ट इज इमिटिंग मोर CO2 दैन इट्स एब्जॉर्ब। सो दिस इज वेरी सिंपल, एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड ऑफ नेशंस एट द ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। तो जो नेशन हमेशा परेड में फर्स्ट रहता है जब ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक की, तो ये कौन सा नेशन है ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपको गिवन है चाइना, हांगकांग, इंडिया एंड ग्रीक। क्योंकि 1896 में ओलंपिक्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ग्रीक से, इसलिए ग्रीक अब भी एक पहला नेशन है जो कि पहले परेड में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है या परेड में सबसे आगे रहता है। तो विच नेशन ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड दैट इज ग्रीक। क्वेश्चन नंबर फोर इज विच नेशन वॉन यूरो कप। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, यूरो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये जो यूरो कप है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968 ये किसने जीता है, यूरो कप 2020 का किस कंट्री ने। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इटली। पूछा जाए 2022 का, इफ दे आस्क 2022 जो यूरो कप है वो किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्चुगल्स के बेनफिका लॉरेंस वॉन द यूरो कप ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हु सेट टू बिकम सेकेंड इंडियन टू बॉर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस। ये सेकेंड इंडियन जो कि स्पेस में फ्लाई करेंगी, इन्होंने कर चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट सरीशा बादला। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो सरीशा बादला बिकेम्स द सेकेंड इंडियन वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस। ये अमेरिकन ओरिजिन से है, सो दिस इज इंडो अमेरिकन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज विच इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंडिया में अभी जो फ़िलहाल में जो सबसे नया टाइगर रिज़र्व बनाया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आपको गिवन है, दुधवा टाइगर रिज़र्व, रामसर बिजधारी टाइगर रिज़र्व, अमरावत टाइगर रिज़र्व या फिर मेघा मालिनी टाइगर रिज़र्व। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिज़र्व। ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर। रामसर बिजधारी ये जो है इंडिया का न्यूएस्ट टाइगर रिज़र्व बन चुका है। इंडिया के अंदर अब जो टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर रिज़र्व है दैट इज़ 53। तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर रिज़र्व्स आर 53 इन इंडिया। ओके, 52nd कौन सा है जो बना था टाइगर रिज़र्व? तो ये है रामदर बिजधारी टाइगर रिज़र्व। ठीक है, रामदर बिजधारी टाइगर रिज़र्व ये 52nd है। अकॉर्डिंग टू 2022 अब तक 53rd टाइगर रिज़र्व बन चुके हैं। और 52nd जो टाइगर रिज़र्व है दैट इज़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इन विच स्टेट आशा बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो बोनालू फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में? ऑप्शंस आपको गिवन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। सो ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू फेस्टिवल, बोनालू एंड बतुकम्मा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेट वाइज इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो ये दोनों ही हैं, बतुकम्मा एंड बोनालू फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज हु इज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। 76th प्रेसिडेंट, अब तो 2022 के अकॉर्डिंग ये 77th बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। ये सिंस 2018 से एक्टिंग है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला साहिद। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल्ला साहिद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन है? दिस इज वेरी सिंपल, जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10। From which state of India Raja Chili has been exported to London for the first time? Raja Chili, इसको GI tag भी मिला है। तो ये कहाँ की famous chili है? We can say मिर्च है। Correct answer for this question is option 3, that is Nagaland। ये Nagaland की, और ये बहुत spicy है। ये GI tag इसको मिला था 2008 में। ये Nagaland की एक famous chili है, राजा चिली जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज कंट्रीज फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। हार्ट फेलियर बायो बैंक ये कहाँ स्टार्टेड की गई है, किस स्टेट में? ऑप्शंस आपको गिवन है पंजाब, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज केरला, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, केरला। क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपको गिवन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज उत्तराखंड। ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बैंड द वर्ड गोरखा गोरख धंधा। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड 400 डेज? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 400 डेज इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस आपको गिवन है वीर सांगवी, दिव्या दत्ता, वॉले सोयांक या चेतन भगत। करेक्ट आंसर इज चेतन भगत। एंड चेतन भगत की काफ़ी बुक्स हैं जो रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, रेवोल्यूशन 2020, न्यू इंडिया एंड मैनी अदर बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। विच नेशनल पार्क has become the first national park to use satellite phones? Again important question,
क्योंकि ये स्टैटिक जीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया का जिसने सैटेलाइट फोन्स यूज़ करना स्टार्ट किया है। ऑप्शंस आपको गिवन है काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बांदीपुर कर्नाटका नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड एंड गिर नेशनल पार्क गुजरात। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं, ये कहाँ लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 100 राइनोसॉर्स के लिए फेमस है एंड इट इज़ लोकेटेड इन असम। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क ये पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया का जिसने डिप्लॉय किए हैं सैटेलाइट फोन्स को। क्वेश्चन 16 इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वर्ल्ड्स हाईएस्ट थिएटर हैज़ बीन ओपन्ड। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट थिएटर ओपन किया गया है? ऑप्शन है, क्योंकि हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली ये लद्दाख में ही होगा। लद्दाख ही तो एक ऐसी है जो कि पीक पर लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील हैज बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री। ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, रशिया, यूएई। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज यूएई। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसा एक जैसे हम बोलते हैं झूला बोलते हैं ना नॉर्मली हिंदी भाषा में, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है जहाँ से लोग अपना देख सकते हैं, पूरा दुबई को देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है जब से ये डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन इज G20 समिट 2023 का ये किस कंट्री में होस्ट की जाएगी? तो G20 समिट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इंडिया में होगी इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन 19 हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20 फॉर्मल। T20 में 10,000 रन्स कंप्लीट करने वाले एकमात्र पहले बैट्समैन खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑप्शंस आपको गिवन है विराट कोहली, आर जडेजा, हार्दिक पांड्या या फिर KL राहुल। करेक्ट आंसर इज विराट कोहली। सो विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन इंडिया टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20। इंपॉर्टेंट है, T20 फॉर्मेट में पूछा जाए तो ही ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20 हु इज द फर्स्ट F1 Formula 1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विराट कोहली वाला क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज ये Formula 1 रेस से है और जनरली लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ऑप्शन आपको गिवेन है मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पीरेज। करेक्ट आंसर इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बिकेम द फर्स्ट टू कंप्लीट 100 रेसेस इन Formula 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21 विच नेशन ऑलवेज स्पीक्स फर्स्ट एट द UN जनरल असेंबली। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मली जनरल असेंबली के हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके जनरल असेंबली के जो है चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछा है कि UN जनरल असेंबली में पहला नेशन कौन है जो कि स्पीच देता है। ऑप्शंस आपको गिवन है ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका या फिर श्रीलंका। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्राज़ील। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शन में ये तो सिंपल क्वेश्चन है अमेरिका, UK दे देंगे, फ्रांस दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भी ऑप्शन में हो बस आपको ब्राज़ील टिक करना है जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स में नहीं है। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इज विच कंट्री गिव्स एवरी ईयर रेमन मैक्सेसे अवार्ड टू रेसिपिएंट्स। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि रेमन मैक्सेसे अवार्ड जर्नलिस्ट को दिया जाता है एंड दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द जर्नलिस्ट। ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा एंड स्वीडन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर इसका नाम रखा गया है रेमन मैक्सेसे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे फिलीपींस के। उनकी याद में रेमन मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है एंड ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है स्पेशली। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23 वी हैव टू मूव फास्टर बिकॉज ऑलरेडी इसमें स्पेस इशू है।
इन विच कंट्री द 19th एशियन गेम्स 2022, ये पता ही है, होंगजो चाइना में होंगे, काफ़ी बार रिपीट भी कर दिया, इससे पहले 2018 में कहाँ हुए थे, जकार्ता में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, ये एवरी 4 ईयर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद कराए जाते हैं, MNS 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वीट कुकम्बर गॉट द GI टैग, ये किस स्टेट का है, स्वीट कुकम्बर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, अगेन आंसर इज नागालैंड, जिसकी राजा चिली, अभी हमने पढ़ा था 2008 में GI टैग इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये 53rd टाइगर रिजर्व बन चुका है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बिकेम कंबाइंड एंड डिक्लेयर्ड एज दी टाइगर रिजर्व, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसके साथ एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज किया गया है और दोनों को क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व। तो ये किसको कंबाइन करके बनाया गया टाइगर रिजर्व, ऑप्शन आपको गिवन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला करके ये एक टाइगर रिजर्व बना दी गई है, ठीक है, दोनों ही लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, इन ओनली 16 मिनट्स हमने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता ही है, मेनली ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि 2022 के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएं, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो आपके 2022 के ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी भी नहीं, एटलीस्ट आपके प्रीवियस 2 ईयर्स से पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये फैसला किया था कि 2021 के भी कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हम करवाते हैं। बाकी इसका पार्ट सेकंड भी मैं प्रोवाइड करूंगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट पार्ट सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।